Hi guys, wish you a very good morning. Now I am going to start exercise 9.4, which is based on multiplication. First question is, multiply the binomials. Binomials से मतलब अब हम ऐसे expression लेंगे जिनमें दो term हो। अभी तक हमने से जो previous exercise करी उसमें हमने क्या किया, monomial to monomial का multiply किया या फिर हमने monomial का binomial से किया। Like हमने कुछ ऐसे terms multiply किए, कुछ भी plus minus के कुछ भी हो सकते हैं, but दोनों क्या थे, either monomial या फिर हमने कुछ इस तरह से multiplication solve किया। Now today I am going to solve this kind of expressions, means they both are binomials. ठीक है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, और फिर आप मल्टीपल जो बाइनोमियल ट्राइनोमियल आगे एक्सपेंशन कितना भी हो सकता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, 2x + 5 एंड 4x - 3, राइट। So how we'll do? First we'll put the sign of multiplication because we need to multiply these two expression. इसके बाद हम क्या करते हैं, distributive property apply करते हैं, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इसका multiply इस पूरी term से होगा, then इसका multiply इस पूरी term से होगा. So हम यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँगी। 2x का multiply ये पूरी term से, देन जो भी ऑपरेशन है, 5 का मल्टीप्लाई 4x - 3 से। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई 4x से, देन 2x का मल्टीप्लाई 3 से, देन 5 का मल्टीप्लाई 4x से -5 का मल्टीप्लाई 3 से। ये एक स्टेप इसमें कम है, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है। यू कैन फॉलो दिस और दिस, बोथ आर सेम, विच एवर इज कन्वीनियंट यू कैन यूज। हम अभी ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x आप क्या होगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 2x मल्टीप्लाई बाय 4x, 2x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। वही स्टेप आया जो वहां पर आया, ये हमने क्या किया, डायरेक्टली किया, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा करना चाहते हैं। अब क्या होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 8, x एंड x विल गिव यू x² माइनस नंबर नंबर मल्टीप्लाई x एज इट इज, 5 4 20x माइनस 5 3 15। अगर कुछ लाइक टर्म है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, तो हमें क्लियरली दिख रहा है दीज टू आर लाइक टर्म्स, -6 + 20 विल गिव यू 14 प्लस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर 20 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर इस तरीके से करते तो भी ऐसे ही होता, 2 4 8x² माइनस 2 3 6x, 5 4 20x माइनस 15। लाइक टर्म है तो आप इन दोनों को सॉल्व करते, ये आपको 14x देता एंड -5। फाइन, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। इसमें एक स्टेप कम है, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ईच एंड एवरी टर्म, 2x का 4x से, 2x का 3 से, देन 5 का 4x से एंड 5 का 3 से। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से बताया, अब बाकी मैं एक ही पैटर्न से बताऊंगी, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। So the second part is y - 8 and 3y - 4. Your first step will be y - 8, आपको multiply का sign देना होगा, because हमें इन दोनों को क्या करना है, multiply करना है, ठीक है। फिर आप वही step करेंगे, y का multiply ये पूरी term से by the property of distributive, fine, then 8 का multiply
पूरी टर्म से। थोड़े दिनों में आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने लगेंगे। नाउ वी विल अगेन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी ये और ओपन होगा। y इंटू 3y माइनस y इंटू 4, ये हो गया माइनस 8 इंटू 3y माइनस 8 इंटू 4, दोनों टर्म सेपरेटली मल्टीप्लाई हो गए। नाउ यू विल ओपन द ब्रैकेट, y इंटू y इज 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 3 जा 24y माइनस 8 4 जा 32। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। 3y स्क्वायर माइनस 4y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो व्हाट विल डू, विल चेंज द साइन इनसाइड द ब्रैकेट। 24y जो है वो माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का 32 विल कन्वर्टेड इनटू प्लस 32, राइट। 3y स्क्वायर माइनस एंड माइनस विल प्लस 28y प्लस 32। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया, हमने ये पूरा ब्रैकेट में इसलिए रखा कि या तो आप ये माइनस के अकॉर्डिंग पहले साइन चेंज कर दें, या फिर स्टेप बाय स्टेप करें एंड देन लास्ट में ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो उसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करें, बट माइनस है तो आपको बहुत केयरफुली करना है। सो योर आंसर इज 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 32। नाउ यहीं पे हम थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे। थर्ड इज 2.5 L माइनस 0.5 M एंड 2.5 L प्लस 0.5 M, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लें। 2.5 L प्लस 0.5 M मल्टीप्लाई बाय 2.5 L प्लस 0.5 M। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव और यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी, बिकॉज ये सेम दिख रहा है, केवल साइन का चेंज है। मीन्स अगर इसे हम कंपेयर करें तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें ईजिली अप्लाई हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। अब कंपेयर कर लें, ए क्या दिख रहा है हमें 2.5 L एंड बी इज वॉट 0.5 M। ए एंड बी हमें पता है तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर मीन्स 2.5 L स्क्वायर माइनस 0.5 M होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज इट इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। 2.5 स्क्वायर इज 6.25 L स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज सॉरी 0.5 स्क्वायर इज 0.25 M स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व किया। तो योर आंसर इज 6.25, बिकॉज 2.5 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 6.25। सिमिलरली 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय आइडेंटिटी को अप्लाई किया, फाइन। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज y माइनस 8 एंड 3 माइनस y, सो आई एम डायरेक्टली पुटिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फाइन। इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप। इसका हम पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, देन 8 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 4। ये एक पूरा टर्म हो जाएगा, ये एक पूरा टर्म हो जाएगा। नाउ विल ओपन द दिस ब्रैकेट, y इंटू 3y, ये भी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी इट इज 4 माइनस, सिमिलरली 8 इंटू 3y माइनस 8 इंटू 4, फाइन। नाउ y एंड 3y विल गिव यू 3y स्क्वायर माइनस 4y
माइनस 8 3 ज़ा 24y माइनस 8 4 ज़ा 32। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट। हमने ये ब्रैकेट क्यों पुट किया था, क्योंकि बीच में जो ऑपरेशन था वो माइनस था, कहीं उससे हमारे क्वेश्चन में कोई गलती ना हो जाए, तो हमने केयरफुली क्या किया, ब्रैकेट लगाया। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट 3y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 24y विल कन्वर्ट इनटू माइनस 24y एंड 32 विल कन्वर्टेड इनटू प्लस 32। अब इसमें लाइक टर्म अगर है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। 3y स्क्वायर एज इट इज माइनस 4y माइनस 24y विल गिव यू माइनस 28y बिकॉज बोथ आर नेगेटिव प्लस 32। सो दिस विल बी योर आंसर। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2.5L माइनस 0.5M एंड इन अनदर ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5M। आई हैव डायरेक्टली पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन प्लेस ऑफ एंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म और यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एंड अगर सिचुएशन ये है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, तो हम कंपेयर कर लेंगे। इन प्लेस ऑफ ए हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 2.5L एंड इन प्लेस ऑफ बी इट इज 0.5M। सो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, 2.5L 0.5M मल्टीप्लाई बाय 2.5L प्लस 0.5M इज इक्वलेंट टू 2.5L होल स्क्वायर माइनस 0.5M होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दिया हमने आइडेंटिटी, अब क्या होगा, 2.5L स्क्वायर हो जाएगा 6.25L स्क्वायर, ये होल है तो ओपन कर दिया, माइनस 0.25M स्क्वायर। इसका वन लाइन में ही आंसर आ गया, हमें ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो क्वेश्चन से आप डिसाइड करेंगे कि आपको आइडेंटिटी लगाना है या इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज, आप इसे नोट डाउन कर लें, ए प्लस 3b एंड x प्लस 5। अब मैं सब में एंड की जगह मल्टीप्लाई पुट कर रही हूँ ना, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है नहीं, सब चीज़ें अलग हैं। ठीक है, सब कुछ अलग दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ईच एंड एवरी टर्म विल मल्टीप्लाई, फर्स्ट प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5 ना, ए का मल्टीप्लाई x से, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि सारा कुछ प्लस में है, ए एक्स प्लस 5a प्लस 3b एक्स प्लस 15b। इसमें कुछ लाइक अगर हमें दिख रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर हमें कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रही है तो हम इसे यहीं स्टॉप कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आगे भी सॉल्व नहीं हो रहा है। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 2PQ प्लस 3Q स्क्वायर इन प्लेस ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, नहीं लग रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। 2PQ का मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म से होगा, एज इट इज़ जो हम प्रोसीजर करते आ रहे हैं वही हम रिपीट करेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे प्लस है तो टेंशन की बात नहीं है, 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। फाइन, नाउ अगेन विल अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2PQ
3PQ माइनस 2PQ मल्टीप्लाई बाय 2Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3PQ माइनस 3Q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2Q स्क्वायर, फोर टर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ नंबर नंबर 2 3 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 2 4 पी एज इट इज क्यू क्यूब प्लस 3 3 9 पी एज इट इज क्यू क्यूब माइनस 3 2 6 क्यू टू द पावर 4। अब हम लाइक टर्म देखेंगे, अगर कोई लाइक टर्म है तो ये दोनों हमें सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस, 9 में से 4 गए तो प्लस 5 पी क्यू क्यूब माइनस 6 क्यू टू द पावर 4। सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। स्टूडेंट इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो अगेन यहाँ पर हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये 4 तो मल्टीप्लाई में है तो आइदर 4 को आप पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये अलग जो टर्म है वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर इस 4 को आगे लिख लें जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म एज इट इज फाइन, पहले इसको एक सिंगल टर्म बना ले। 4 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो विल गिव यू 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर, बिकॉज न्यूमरेटर से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा। इसको मैं रब कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3/4 ए स्क्वायर। अब मैं एक डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, अभी हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी लगा लगा के किए, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 ए स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इससे भी, इसका मल्टीप्लाई इससे भी, 8/3 बी स्क्वायर। फॉर अ चेंज मैं ये कर रही हूँ, बाकी आपको जो इजी लगे आप उसे ही फॉलो करें। 3 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, माइनस 3 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/3 बी स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेंगे। सबसे पहले जो फ्रैक्शन नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा के हम उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे जिससे ईजी हो जाए। ये 4 से 4 कैंसिल हो रहे हैं, 3 एज इट इज ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल गिव यू 8^4 माइनस, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 3 एंड 3 विल कैंसिल, 4 2 8 सो इट विल गिव यू 2 a² b² प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 12 a² b² माइनस, यहाँ भी हम देखें अगर तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 8b^4। इसके बाद इसमें हम लाइक टर्म देख लें, 2a² b² एंड 12ab² दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 3a^4 प्लस 10a² b², बिकॉज माइनस 2 प्लस 12 इज प्लस 10 माइनस 8b^4। सो दिस इज योर आंसर। ये हो गए पूरे पांचों पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमने ले लिए। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसमें भी हमें प्रोडक्ट निकालना है। एक्सरसाइज पूरी प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है, अलग अलग तरीके के आपको सम दिए हैं जिससे आप बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाएं कि कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट 5 - 2x 3 + x। सबसे पहले हमारा कोशिश रहेगी कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, तो इस पर्टिकुलर में नहीं लग रही, तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा 5 का 3 से। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, 5 * 3 + 5 * x
माइनस टू एक्स इंटू थ्री माइनस टू एक्स इंटू एक्स। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म का किया। फाइव थ्री ज़ा 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ सेकेंड भी हम यही ले लेते हैं, x प्लस 7y एंड 7x माइनस वाई। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कोई आइडेंटिटी लग रही है, लग सकती थी अगर ये x और ये 7 होता तब, पर यहाँ पर उल्टा है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ईच एंड एवरी टर्म। फाइन, x इंटू 7x माइनस x इंटू वाई प्लस 7y इंटू 7x माइनस 7y इंटू वाई। दीज ऑल आर प्रैक्टिस सम, अलग अलग तरह से वो आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7 7s आर 49xy माइनस 7y स्क्वायर। नाउ 7x स्क्वायर आई थिंक दे आर लाइक है, तो ये माइनस है, कुछ नहीं है, मीन्स ये 1 है एंड ये 49 है, सो इट विल गिव यू प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर। फाइन, नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए स्क्वायर बी एंड ए प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहां पर कोई एंटिटी नहीं लग रही, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर इंटू ए। आप ये एरोज अगर लगा लें तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म विल मल्टीप्लाई दिस बोथ द टू टर्म्स एंड बी विल मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी विल मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। नाउ दिस विल गिव यू ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू। आगे चेक करेंगे कुछ सॉल्व हो रहा है तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड टू पी प्लस क्यू। यहाँ भी क्लियरली हमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन बाइनोमियल के हैं, दोनों टर्म्स बाइनोमियल हैं और पूरी पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए इसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही। यहाँ भी वही प्रोसीजर, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू पी एंड माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू। नाउ नंबर कुछ भी नहीं है तो टू पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू। कुछ लाइक हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर भी हमें कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही। दीज ऑल आर फोर पार्ट्स ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द थर्ड,